हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 99 में स्वागत है। इस क्लास में हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 9,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें यहाँ पर बताना है कि 9,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर जो मूलधन दिया है कितना है, 9,000 रुपये है। रेट जो है वह 5% है और जो टाइम दिया है वह दिया है 3 वर्ष का। टाइम कितना दिया, तो 3 वर्ष का। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 9,000। रेट है 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष, अपॉन में 100। तो ये 200 से ये 200 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 90। 5 × 3 कितना होगा, तो 15। 15 × 90 के साथ करेंगे तो 1500, 15×9=135, तो 1350 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1350 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहे कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। हमें क्या बताना है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूलधन है कितना है, 3,000 रुपये। रेट है 12% और जो SI हमें दिया है वो दिया है 1,080 रुपये। हमें क्या याद करना है, यहाँ पर टाइम बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या निकालना, टी निकालना है, तो टी इधर जाएगा और 100 इधर चल जाएगा, तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। SI कितना है, 1,080, तो यहाँ पर मान रख देंगे 1,080 का, इंटू 100 है, अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 3,000, इंटू रेट कितनी है, तो 12% तो यहाँ पर ये 200 से ये 200 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 12 × 1 = 12, और ये 12 से आएगा 9 बार, 3 से आएगा ये 3 बार, तो 3 वर्ष। तो जो टाइमिंग आया कितना है, 3 वर्ष का होगा, समय कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6,900 रुपये हो जाएगी। हमें यहाँ पर प्रश्न में रेट निकालना है। 6,000 रुपये हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, 6,000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया है। समय दिया हमें 3 वर्ष का, और जो अमाउंट दिया है वह दिया है 6,900 रुपये। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से SI निकालना है, तो अमाउंट माइनस पी जाएगा। अमाउंट दिया है 6,900 रुपये, प्रिंसिपल दिया हमें 6,000 रुपये, तो कितना आएगा, 900 रुपये। तो ऐसा ही जो आ गया हमारे पास आ गया 900 रुपये। हमें क्या याद करना है, साधारण ब्याज की दर। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट निकालना है, तो 100 इधर चल जाएगा, तो SI इंटू 100 अपन में आएगा पी इंटू टी। ऐसे ही कितना है, 900 इंटू 100, प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, इंटू टाइम है 3 वर्ष का। ये 200 से ये 200 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से आ गई है 30 बार, और 6 से आ गई है 5 बार, तो 5%। तो रेट कितनी आई, 5%।
5% हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या कह रहा है कि 800 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो मूलधन है कितना है, 800 रुपये दिया है। समय जो दिया है वो दिया है हमें 2 वर्ष का, और अमाउंट की बात करें तो वह है 1000 रुपये, और हमें रेट पूछा है। तो अभी हमने अमाउंट बराबर क्या देखा था, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, तो एस आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी होगा, और अमाउंट कितना है तो 1000 है, प्रिंसिपल है 800, तो कितना ऐसे ही आ गया यहाँ से 200, साधारण ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। अब रेट बराबर क्या होता है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ऐसे ही हमने निकाले 200 रुपये, साधारण ब्याज 200 रुपये इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये, जो समय दिया है वह कितना दिया 2 वर्ष। तो यहाँ पर ये 200 से ये 200 कट जाएगा, 200 आ गए ये 100 बार, तो कितना है हमारे पास 100 अपॉन 8% ये कितना होगा, 4 से आ गए 2 बार, 4 से आ गए 25 बार, 2 से आ गए 12.5 बार, तो 12.5%। तो रेट क्या होगी तो 12.5%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीनों को साधारण ब्याज 340 रुपये है, धनराशि का मान क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें जो रेट दिया है कितना है 6% है, समय दिया जो 8 महीने का है, इसे हम ईयर में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, 4 से आएगा 2 बार, 4 से आएगा 3 बार, 2/3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना ज़्यादा 340 रुपये, ऐसा ही जो जाता है वह 340 है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। तो ऐसे ही बार बार क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो एस आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर होगा आर इंटू टी, तो यहाँ से क्या होगा प्रिंसिपल बराबर होगा एस आई कितना दिया हमें 340 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है 6% है, और टाइमिंग दिया है 2/3 वर्ष, तो 2 यहाँ जाएगा 3 ऊपर चले जाएगा, 3 से आ गए 2 बार, 2 और 2 4, 4 से आ गए 25 बार, 340 × 25, 25 × 25 = 100, 100 × 10 = 10, 25 × 75 = 10, 85 तो 8500 रुपये, प्रिंसिपल कितना होगा 8500 रुपये। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का वो आएगा 8500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छः। प्रश्न छः क्या करेगी, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, हमें क्या बताना कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, हमें साधारण ब्याज की दर यहाँ पर बताना है, रेट हमें यहाँ पर बताना है क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल हम एक्स मान लेते हैं, प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो जो अमाउंट हो जाएगा कितना तो जाता है 5 गुना, 8 वर्ष में कितना तो 5 गुना हो जाता है, तो ये जाएगा 5x हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई होता है, अगर हमें एस आई निकालना है तो हम कहेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे, तो अमाउंट कितना है यहाँ पर 5x है, में से x माइनस कर देंगे कितना है 4x, तो एस आई जो आ गया वह आएगा 4x आ गया, कितना है 4x। हमें क्या पूछा है रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एस आई कितना है 4x है इंटू 100, प्रिंसिपल को हमने क्या माने x माने, तो x इंटू टाइम कितना है 8, x x कट जाएगा, 4 से आ गए
आठ दो बार कटेगा, दो से आ गई 50 बार, जो 50%, तो जो रेट होगी वह कितनी आएगी 50%, तो हमारा आंसर आएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहे कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं तिगुनी हो जाएगी। तो हम जो प्रिंसिपल को यदि हम एक्स मान लें, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं एक्स, तो जो अमाउंट हो जाता है कितना ज़्यादा है, 3 गुना आता है। तो यहाँ पर जो एस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, तो अमाउंट क्या है 3x है माइनस एक्स, तो ब्याज आ गया 2x आ गया। हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, तो क्या होगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई कितना है 2x है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है एक्स है, रेट 5% है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 5 से आ गए 20 बार, 20 दूनी 40, तो 40 वर्ष होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना का 40 वर्ष, समय कितना होगा तो 40 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं, जो धनराशि है वह 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में कितनी आती है 568 रुपये जाती है। तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिला कितना है 48 रुपये, 2 वर्ष में ब्याज कितना है 48 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 24 रुपये, और हम निकालेंगे यहाँ पर 5 वर्षों के लिए ब्याज, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 24 गुणित 5, तो 24 पंचे 120 रुपये, तो 5 वर्ष में जो ब्याज मिला 120 रुपये मिला, 5 वर्ष में ब्याज कितना है 120 रुपये। हमें निकालना धनराशि, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट माइनस एस आई। अमाउंट कितना दिया है 5 साल की अगर बात करते तो 5 साल में अमाउंट ज़्यादा 520, और 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 120, तो 520 में से 120 को हम माइनस करेंगे कितना आएगा 400 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना होगा 420 रुपये, तो हमारा आंसर आएगा 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमें दिया है वो 10,000 रुपये दिए, रेट है 6%, और जो साधारण ब्याज है वो 450 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 450 रुपये, और हमें समय बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, टाइमिंग बताना है, तो 100 इधर चल जाएगा, तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, तो एस आई कितना है 450 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये इंटू रेट है 6%, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से आएगा 9 बार, 5 से आएगा 2 बार, 3 से आएगा 2 बार, 3 से आएगा 3 बार, 3/4, 3/4। अब इसे हमें किस में निकालना है, महीने में निकालना है, किस में निकालना महीने में, तो इसलिए हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 4 से आएगा 3 बार, 3 + 9 माह, तो कितना है 9 माह, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 9 मंथ, 9 माह हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपये वह धन ज्ञात कीजिए।
हमें यहाँ पर रेट है 8% दी है, समय जो दिया है वह 3 वर्ष का दिया है, जो अमाउंट की अगर बात करते हैं तो अमाउंट है 6,940 रुपये, हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं X रुपये। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है X, रेट है 8%, समय जो दिया 3 वर्ष का दिया है अपॉन 100, 4 से आएगा 2 बार, ये जाएगा 4 से आएगा 25 बार, तो 2 दिया 6, 6X/25 क्या आ गया हमारा, ब्याज आ गया। हमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट जो दिया वो हमें दिया है 6,944 रुपये, अमाउंट कितना है 6,944 रुपये, प्रिंसिपल है X और SI है 6X/25, तो यह आएगा 6,944 इक्वल टू 25X+6X/25 में आएगा 25, तो यह आएगा 6,944 इक्वल टू आएगा 31X/25, तो एक्स बराबर आएगा 6,944 इंटू 25/31, 31 से जाएगा ये 224 बार, 224 में जब हम 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5,600। तो जो यहाँ पर जो धनराशि होगी वह कितनी होगी, 5,600 रुपये होगी, धनराशि कितनी होगी तो 5,600 रुपये होगी, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।